10 to 20,000 रुपीस पर वीक फ्रॉम योर फोन इफ यू गाइज वुड लाइक टू अर्न एंड पार्ट टाइम है वर्क फ्रॉम होम. इसके रिगार्डिंग इफ यू गाइज वॉन्ट टू टेक सम इंफॉर्मेशन देन यू गाइज कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 10 to 20,000 पर वीक यू कैन अर्न फ्रॉम योर फोन. ओके एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे. मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी आप चेक. बाला और आसमान क्या लग रहे ना भाई, स्लो मोशन में ऊपर से पड़ा. जानता था ये तुम कर दिखाओगे. मेरे सरदार हमेशा बेहतरीन फैसला करते हैं. मेरे उस्मान. क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना बाला? ठीक हूँ मैं. क्या मारा है भाई उसने बाला ने है तारगुन को. अलग लेवल है भाई, उसकी रिएक्शन उसका बहुत तगड़ा था. मलहून को क्या हो गया? उसकी दाढ़ी पे बर्फ जम रही है, अटक रही है, अटक रही है. मैंने आपको बहुत याद किया. हे माशाल्लाह, गोतुक, तो तुमने ये कर दिखाया. आज से ठीक है भाई, शुक्रिया बाला खातून. अरे बाला खातून ने इसके इसको डायरेक्ट खंजर मारा ना भाई, शुक्रिया बोल रहा. ये एक अच्छा खेल था उस्मान साहब. ये खेल तो जारी रहे. कब तो अब जाओ यहां से. जाओ कुमार. डायरेक्ट बोलता है ना भाई, निकलो जाओ यहां से. बोले ये छोरी अकेला के सरदारों में से ये सरदार उमर साहब की बेटी है. मेरा नाम मलहून खातून है. हम यहाँ उस्मान साहब के दावतनामे पर इनकी जमीनों पर आबाद होने के लिए आए हैं. खुश आमदी. बाला, अमानतें तुम्हारे हवाले हैं. आप फिक्र ना करें. ओए ओ भाई पेड्रोस. सिपाहियों, देखा पेड्रोस आया है, डायरेक्ट नीचे छुप गया वो देख के. बोरान, हमें सोच जाकर मालूम करना है कि कारवा का मसला. जी मेरे हुजूर. किसका मसला? जल्दी कराओ, हमें इससे पहले पहुंचना है. जल्दी. अच्छा इनको साउथ पहुंचना है. जबरदस्त.
ये लोग नहीं आए होंगे तो क्या लात मारी जो काफिला आया था ना समझ रहे जो तारगुन लेके आई थी उन्होंने आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया सोने के सिक्कों की वजह से हुजूर उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया इसीलिए हमें जिंदा छोड़ दिया एक ताजर के लिए माल जान से ज्यादा अजीज होता है जान माल से ज्यादा अजीज नहीं होती हुजूर आपने हमें कहा था कि काफिला लेकर आओ और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी सुलेमान इसी वजह से इस हमले के नुकसान के अजाले के लिए आपको कहना हमारा हक बनता है अगर हमने तुमसे कोई वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे चाहे कुछ हो जाए शुक्रिया हुजूर अल्लाह राजी हो आपसे हुजूर अब जैसे कि शैतान ने एक मेज सजाई और जानना यह है कि उसमें किसने खाया और किसने उसे गंदा किया फिर हम फैसला करेंगे कि आगे हमें करना क्या है अल्लाह आपको सेहत दे और उम्र दराज करे तुम्हारे भी तुम्हारे भी तुम्हारे भी आसमान डेंजर है भाई आसमान को शक हो गया अभी तगड़ा वाला शक हो गया आसमान को तगड़ा वाला एकदम you
मुझसे शक हुआ होता तो तुम मुझसे अभी बात नहीं कर रहे होते। हर चीज के बावजूद हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर उस्मान जाग गया तो हमें उसे दोबारा सुलाना होगा। उस्मान को शक हो गया है फॉर श्योर, मुझे तो लगता है भाई। क्या क्लैरिटी है। करीब का इलाका महफूज करो। आप यहाँ आए, आपको कुछ भी उस्मान साहब।